गंडकड़ा पार रखे गंडकी गंडकी चरण का एक देश के खिलाफ आविष्कार किया था कांग्रेस को वोट देने का। उस दिन इसके पिताजी थे वो ही एक वोट डाल के आए थे। पूरा 99% आदमी एक भी वोट नहीं डाला। जो 1300 वोटों में सिर्फ एक वोट पड़ा था इन्हीं के परिवार का। बुडलिया करी 1,00,000 काम तो कराओ है कांग्रेस के टाइम पर ही बताऊंगा के माहौल। मैं तो कोई से नहीं लेना चाहूँ, दोनों नहीं पर रखना चाहूँ। और कोई पार्टी लेना चाहोगे और कोई पार्टी तो स्वतंत्र है सब ना। हनुमान बेलीवाल का दाग में ही कौन जाऊँ गाड़ काट देना तो थाला बैठे रहे गाड़ भी काटनी काम ही हो। राम राम जी। मैं संगीता और थे देख रहे हो आरजे 18 न्यूज। तो आज आप पूंछा मंडा विधानसभा क्षेत्र का वाइदपुरा गांव में तो इजा थान लेके आए। तो मैं हूँ फिलहाल मेन स्टैंड पे थे, मेरे पीछे देख सको जो मेन स्टैंड है वो ओरियो जो रास्ता जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहाँ का जो राय है गांव का लोगों की जो विचार है वह भी थारखन रक्षा और जो रुझान है आगे चुनाव का वह भी थान बांगों जानकारी है वो दिवासियाँ। तो चाल के आप गांव का लोगों में बात है वो कर सें। तो आप जाए गांव के अंदर एंटर हुआ तो बैठे ताऊ जी बैठे हैं उन जान से ताऊ जी जाए कि विधानसभा माहौल है गाँव का। अच्छा बीजेपी को माहौल किन दे से वोट है जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आए। राम राम जी। राम राम जी। ये अब की बार चुनाव को क्या माहौल है को गांव किन सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी थे भी बीजेपी का पूरा गांव ही कर रहे हैं घनकरी बीजेपी। के कारण है बीजेपी बढ़िया सहयोग दे रही है। बढ़िया सहयोग तो के सहयोग दियो गांव में विकास को काम तो कराओ है कांग्रेस के करा तो धार लगा में दिखन लाग रही है। जो आप वाइदपुरा का जो मेन गुआड़ है के अंदर पहुंच गया रहते काफी लोग बैठे तो आऊं पे आप चर्चा कर। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है? रोहिताज सिंह। तो अब की बार के माहौल है चुनाव गांव को? गांव को बीजेपी को। बीजेपी को के कारण है के पीछे है? ये के पीछे देशभक्ति। देशभक्ति। हाँ जी। तो देशभक्ति विकास दिखे जनता की भलाई भूल हुई विकास भी हो रहा है राम मंदिर हो रहा है 370 धारा की और वो 3 तलाक वाला हो गया अभी वो एक देश एक कानून वाला चल रहा देश के हित में जो काम हो रहा उसके साथ। तो गांव को भी जाए कोई विकास होगी गांव का हो रहा ना जैसे हम तो भूतपूर्व सैनिक है फौजियों का एक रैंक एक पेंशन कर दिया हमारा तो उसके लिए खुश हैं और देश प्रेमी हैं हम तो। के माहौल अब की बार चुनाव को गांव में? माहौल तो टाइम पर ही बताऊंगा के माहौल टाइम पर क्या है अब तो टाइम आ रहे है घने ही खड़े हो रहे कैंडिडेट वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कौन कौन भी रोगे कैंडिडेट कता खड़े हो रहे अभी कोई पता नहीं है। बैठे मैं तो गुआड़ में बैठे चर्चा तो चल रही है चर्चा भी तो कोई टिकट के बहुत दावेदार है किसको मिलेगी कौन कैसा कैंडिडेट होगा उसी को आज चर्चा तो चलती होगी कि भाई गांव में टिकट किन मिलेगी ना ना अभी कोई चर्चा नहीं। राम राम जी। बोलो जी। क्या माहौल चल रहे हो मतलब बीजेपी ने लेना चाहो कांग्रेस ने लेना चाहो? मैं तो कोई से नहीं को लेना चाहूँ दोनों नहीं पर रखना चाहूँ। और कोई पार्टी लेना चाहोगे? और कोई पार्टी तो स्वतंत्र है सब ना। हनुमान बेलीवाल का दाग में ही कौन जाऊँ तो कांग्रेस ने भी कौन लेना चाहो और बीजेपी ने भी जाना फिर कोई सी सरकार का काम करेगो जो को वोट लेगो और काम नहीं करेगो जो को वोट कौन ले। फिलहाल तो कांग्रेस है तो के थरगांव में कतो के विकास कांग्रेस तो हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी है जहाँ कांग्रेस कर रखे ना मुसलमान के साथ दंगो मार रहे मुसलमान काट रहे हिंदुआ ने आ कांग्रेस की मुसलमानों को पक्ष दे रही है जहाँ के करोगा थे के मतलब के खाना चाहो की जो कांग्रेस सरकार मुस्लिम सरकार है। हाँ मुस्लिम सरकार है जातिवाद पे वोट करेगी। हाँ जातिवाद। राम राम जी। राम राम। के नाम? दलित शर्मा। के माहौल अब की बार गांव में चुनाव को? माहौल बढ़िया है बीजेपी को है पूरा गांव ही एक तरफ आई पूरा गांव तो एक तरफ होगा नहीं है वोट मिलेगा थोड़ा बहुत ये एक खिलाफ है पाकिस्तानी एक ही के खिलाफ है के खिलाफ है कांग्रेस का बीजेपी का देश का ही पूरे देश के खिलाफ है हम जान देश के है खुद अगर का हो बैन दूसरों को बैन बाकी सोच मैं कश्यप को मन बैन कर मैं चोर तो मन चोरी चोर दिख तो ऐ कहे कह रहे कि देश के खिलाफ है कोई तो कारण हो आप खुद खिलाफ ही गंडकड़ा पार रखे गंडकी चरण का एक देश के खिलाफ एक आदमी बोल जाए दो बोल जाए तो सही बोल रहे हैं कि देश तो सही है सब बोल रहा है तो
बोले बीजेपी का एक यही खिलाफ है, क्यों पूरे गांव के ही खिलाफ हो गए? मैं पूरे गांव के ही खिलाफ, पूरे गांव के तो बैठा उठे तो आंख सागे करो। मैं को आदर्श गांव मानने है ना अपने आप में, बबैल कहीं बे हाँ। तो क्या आदर्श गांव जाते बाद बीच में क्या आ रहे भाई, गांव में तो सब मिलजुल के आने बोल रहे, हम तो 90% एक तरफ आ जाएंगे बीजेपी। एक अकेला खिलाफ देशद्रोही का है ये। जिस दिन गांव पूरे ने बहिष्कार किया था कांग्रेस को वोट देने का, उस दिन इसके पिताजी थे वो एक वोट डाल के आए थे, पूरा 99% आदमी एक भी वोट नहीं डाला, जो 1300 वोटों में सिर्फ एक वोट पड़ा था इन्हीं के परिवार का, बाकी वो आज गांव है वो एक तरफा रही है, एक वोट अलग है, वो बीजेपी का माहौल है हमारा सारा देश हित में दे रहे, मतलब पूरा गाँव है वो एक तरफा को नहीं, एक तरफा कांग्रेस का आधा बीजेपी का, ना ना बीजेपी ज्यादा। अभी अब के विकास है वो गांव में, गांव में तो विकास क्या है, देश के लिए हित में काम हो रहा तो पर्सनल काम बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस का था, ये लोगों ने कांग्रेस का सरपंच बनाया देख के पलट गया की बात, तो माहौल है, एक बार माहौल आया था बेबी लाल ताऊ पूरे हिंदुस्तान में कोनी आ गई, तो कोनी सरकार आनी जानी आ रही है, सगला गांव का मिल के आ गया माहौल बीजेपी को है मारे गांव में, पूरा विधानसभा को नहीं कह इसको मारे गांव में बीजेपी को जोर 40-60 को कह रहे हैं इनमें कांग्रेस का कोनी जगह बाज का आंटी कोई का माहौल बढ़िया है, जाएंगे थे युवा हो तो कौन सी सरकार है ज्यादा सपोर्ट युवा तो हनुमान जी बेनीवाल नहीं सपोर्ट कर सी, तो इधर गांव लागे कोई माहौल की गांव में एक नंबर को माहौल है भाई, ब्रह्म तो किको है हनुमान जी बेनीवाल को है, तो बढ़िया चीज बताओ जी है हरिया बोल बीजेपी बीजेपी भाई बुटलिया करी एक लाख वक नहीं आने देनी है, तो ये मतलब पूरा अगर हनुमान बेनीवाल तो देवड़ा बन गया केला का के कर सके युवा की पार्टी है युवा चाहेंगे भाई हो गया लोगों की सनाओ कर्जो माफ हो जाएगा और टोल टाल सो क्यों माफ हो जाए, बजरी वालों अड़ंगो चल रही है वो भी एकदम कम सस्तो बढ़िया एकदम, ए वादा तो सही करे थे ता विश्वास के साथ में कहां कह सको हो जाएगा, देख लिया तो 60 साल हो की ज्ञान धनिया के बांध रहा बना भी बनी वाल को आदमी खड़ी जाए वो जो तो बिंदे देगा नहीं सीजे पिंदेगा, बीजेपी के कारण है बीजेपी को कारण सोई ऊपर मोदी बैठे ने मोदी तो बैठे हुए पाछे भी यहाँ केला के भाई कुछ तो रीजन होगो, तो वही सब बढ़िया काम कर दिया है ना ऊपर बैठे हो, तो कई लोग तो गाड़ भी काट रहे हैं, तो गाड़ काट दें तो थाला बैठे रहे गाड़ भी काट दी तो काम ही हो है कि मान लो ये लगा है कि भाई बीजेपी आओगी तो काम करवाओगी कोई उम्मीद है कि बीजेपी काम करा दिया ने सेना के लिए सब बढ़िया काम कर दिया यही बढ़िया के काम होगा, सेना के लिए तो 4 साल को कर दियो भी तो सब लोग गाड़ काटे हैं, तो 4 साल को कर दियो तो यहाँ विदेश में भी तो रशिया में 4 साल करके अभी तो लड़कियाँ भी अनिवार्य है काम नौकरी करनी आर्मी की हाँ तो बढ़िया है काम, तो चुनाव ठीक चल रहे किन देशों वोट है वोट खड़े हो सी देशों तो खड़े तो कांग्रेस भी है बीजेपी भी है देख से कौन खड़े हुए तो देख से क्या हाल मत तो बनाए कौन की मत तो खड़े हैं बेरो पड़ो तो आप आते देर जो वायदपुरा गांव का लोग हा बाकी जो चुनावी चर्चा है बाकी जो राय है वहाँ का जो विचार है वह थाने दिखाया तो बाकी जो चर्चा करी है और वहाँ का जो विचार है वह थारे सामने रखा तो थारा के विचार है वह भी थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए।